अपने पशुओं के लिए चारा लेने जा रहे किसान की बैलगाड़ी से एक दरोगा की गाड़ी टकरा गई, जिसकी वजह से दरोगा की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी में हुए नुकसान को लेकर दरोगा आग बबूला हो गया और अपनी वर्दी का रौब झाड़ते हुए किसान और उसके बेटे के साथ दरोगा ने मारपीट शुरू कर दी। वहीं गाड़ी में हुए नुकसान को लेकर दरोगा ने किसान पर पैसे देने का दबाव बनाया। गरीब किसान पुलिस के मामले को लेकर एक साहूकार के पास पहुंचा और उधार लेकर जैसे तैसे दरोगा को पैसे दिए। मामला शेरगढ़ थाना क्षेत्र का है और ये दरोगा जी कोई और नहीं किशोर गौतम हैं। इस मामले में किसान ने क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंचकर दरोगा के खिलाफ शिकायत की। उसने बताया कि गलती होने के बावजूद दरोगा किशोर गौतम ने उनके साथ मारपीट की, उनके बेटे को भी मारा और अपनी गाड़ी में हुए नुकसान का हवाला देते हुए उनसे पैसे की मांग की। किसान भी बेचारा क्या करता, उसने दरोगा से भयभीत होकर उधार के पैसे लेकर जैसे तैसे दरोगा को पैसे दिए, लेकिन दरोगा इतने से भी संतुष्ट नहीं हुआ और किसान पर अधिक पैसे देने का दबाव बनाने लगा। ये दरोगा जी पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। अगस्त 2019 में मथुरा के थाना हाईवे स्थित धौली प्याऊ रोड फाटक के पास एक पुलिसकर्मी से गुटके को लेकर एक दुकानदार का झगड़ा हो गया था और उस झगड़े में दुकानदार को पुलिस थाना हाईवे ले गई थी, जहां थाना हाईवे जाने से पहले युवक ठीक ठाक था, लेकिन थाना हाईवे निकलने के बाद वो सीधा अस्पताल पहुंचा और उसकी मौत हो गई, जहां उसके परिजनों ने किशोर गौतम को उस युवक की मौत का जिम्मेदार बताया था। अब आप ही बताइए कि अगर बैलगाड़ी आगे चल रही है और पीछे से दरोगा जी की गाड़ी आ रही है तो गलती किसकी होगी? जी क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रभु है जी। अच्छा, जो आज यहाँ आप तहसील में आए हो, सीओ साहब के पास में आए हो, क्या समस्या तुम्हारी? समस्या ये है जी, बड़ो छोरा न्याल लेके जा रहा हूँ बुग्गी में जी, और थाने के एसओ की का नाम है वहाँ किशोर गौतम की गाड़ी आ रही, पीछे से बुग्गी में ठोक दई वान। अच्छा, जो ऐसा ये किशोर गौतम वो कहाँ तैनात है, कहाँ उसकी ड्यूटी? शेरगढ़ थाने में जी। शेरगढ़ थाने में जी। तो बताएं क्या मामला है? पूरा मामला ये जी, वहाँ बुग्गी में ठोक दई है, छोरा पकड़ लियो और बात पकड़ के वहाँ मार दई है, बुग्गी और बर्द चले गए सूने गांव को। अच्छा, और जन कहाँ पहुँचे, कहाँ ना पहुँचे, एक पारोसी ढोर पहुँचे, वहाँ बर्द खोल दियो है जी, और हम वहाँ से छोरा पकड़ो बड़ो और बस छोटे छोरा है खेत पर तो खा लाए साहब, खेत पे थे जी, वो माल लगाइए या में माल लगाइए और 15,000 रुपया मेरे जेब में, 15 दिवाए बाके बनिया पे, 30,000 लिए वो पे रुपया वो नाजायज लिए साहब। अच्छा, किस चीज के लिए पैसे? यूँ लिए बुग्गी में पीछे देख यूँ कही तो आई बुग्गी में लगी है तो नुकसान हो गाड़ी में, यूँ लिए हम पैसे तो। अच्छा, यही बात की शिकायत में चल रहे हैं साहब हम तो। अच्छा, जो ये लेटर दे के आए सीओ साहब ने क्या कहा है? सीओ साहब ने फोन कर लियो बतराए थाने में, कहा कहिए कहना है कही, हमें तो कोई पता ना है साहब। अच्छा, अब आपको क्या आश्वासन दिया है? आप यही आश्वासन दे रहे साहब, दाम मिल जाएंगे तुम। अच्छा, आप क्या चाहते हो इसमें? थोड़ा तेज बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? पैसा मिल जाए जी, नाजायज पैसा लिए हम पे थप्पड़ मार के, हम गरीब आदमी, हमारे थाने में रफत ना है, 85 साल के मेरे, हम खेत का मावा आदमी है। मारपीट करके मार ले गया पुलिस थाने में, मारपीट करी मेरे बच्चे के संग, थाने वाले न्याय चाहिए थाने वाले के। माता जी, उस दिन हुआ क्या था, शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या हुआ? दुकान पे दुकानदारी कर रहा हूँ, अब लेके गुटका लिए माने, गुटका के पैसा मांगे, गुटका लेके चल दिया, छोड़ा के पैसा दे दिया, वहाँ गए तो बहुत पैसा ले गए, मैं दिखने ना में वर्दी पैर रखी, मैंने बोला तो पैर रखी तो कहा पैसा चाहिए, बने तीन गाय कर मारो खेत के जौन वहाँ पता इसी है कहाँ पर पता ना है, तो 100 नंबर पुलिस बुला ली माने, फिर एक छोटा झाड़ू लगा रहा हूँ छोटे बार दोनों ने पुलिस वाले ले गए गाड़ी थाने में, और जो किशोर गौतम है कौन है ये तो बांध थप्पड़ में छुआ के सामने मारे मैंने, और अभी तक खींच के ले गए, एक तो एक पुलिस वाले भगा दियो, अब भी तक बोलना क्या करो मैं सुना का ना करो संग में, मार जो भी भेज इतना भी थाने के भीतर ही भेजिए मेरे बच्चा के संग में।